आपने फिल्मों में भी देखा होगा और शायद ये बात सच भी हो कि अकबर बादशाह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए बीच में निकल जाते थे। ऐसा करने से उनके सामने राज्य की असलियत आ जाती थी। उस राज्य में कैसे कोई चोरी कर रहा है, जनता से लूट मार कर रहा है या फिर घूसखोरी कर रहा है, ये सब आईने की तरह साफ हो जाता था। लेकिन अब तो राजा और प्रजा वाला सिस्टम बचा नहीं है, अब लोकतंत्र है जहां पर जनता खुद अपना प्रधानमंत्री चुनती है। अब अखबार और न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि कैसे कोई बड़ा अधिकारी औचक निरीक्षण कर ऐसी खामियों का पता लगाता है। लेकिन ये कहानी ना किसी अधिकारी की है और ना ही किसी फिल्मी स्क्रिप्ट वाले सीएम की, बल्कि असली कहानी अपने भारत देश के एक पीएम यानी प्रधानमंत्री की है, जिनसे पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने के लिए 35 रुपए की रिश्वत मांग ली थी। चलिए आपको सुनाते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की, साल 1979। शाम के करीब 6 बज रहे थे। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले किसान परेशान होकर थाने पहुंचा। उस थाने का नाम था ऊसराहार। दुबला पतला खाटी गांव का एक बुजुर्ग, उम्र करीब 75 साल के आसपास, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, थाने में घुसने से भी थोड़ा डर रहा था। वहाँ पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कहीं दरोगा जी उसकी बात का बुरा ना मान जाए। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही इस किसान के पास आता है, सवाल पूछता है कि क्या काम है। तो वो कहता है, अरे दरोगा जी, मेरी जेब किसी चोर शक्के ने काट ली, उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लिख लीजिएगा। ये बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल कुर्सी लगाकर आराम कर रहे एक हेड कांस्टेबल की नजर उस किसान पर गई। अपनी कुर्सी पर ऊँगते हुए उस हेड कांस्टेबल ने सिर उठाया और किसान को देखा, फिर पूछा, अरे पहले ये बताओ कहाँ तुम्हारी जेब कट गई, तुम कहाँ के रहने वाले हो। इस पर उस किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहब, यहाँ इटावा में अपने रिश्तेदार के घर आया था, यहाँ से बैल खरीदने के लिए पैसे लेकर अपने गांव से आया था, रास्ते में पैसे लेकर जा रहा था, उसी समय किसी ने मेरी जेब काट ली, उसमें रखे कई 100 रुपये चोरी हो गए, अब वो पैसे नहीं मिले तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से खेती से हम पैसे जुटा कर यहाँ आए थे, इसलिए रपट लिख कर चोरों को पकड़िए ना साहब। अब रपट लिखकर चोरों को पकड़ने की बात सुनकर कुर्सी पर चौड़े होकर बैठे हेड कांस्टेबल ने फिर से सवाल दाग दिया, जैसे पुलिस वाले अक्सर आज भी करते हैं। हेड कांस्टेबल ने कहा, अरे बाबा पहले ये तो बताओ कि मेरठ से इतनी दूर बैल खरीदने क्यों आए थे, पहले तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है, दूसरी बात कि क्या सबूत है कि तुम्हारी जेब ही काटी गई, ये भी तो हो सकता है वो पैसे कहीं गिर गए हो या फिर कहीं पैसे उड़ा दिए हो तुमने शराब पीने में या दूसरी मौज मस्ती करने के चक्कर में, तभी तो कोई इतनी दूर से आएगा, या फिर घरवाले की डर से चोरी का नाटक रचा रहे हो। अब इस तरह पुलिस वालों ने इतने सारे सवाल पूछे कि वो खुद भी चकरा गए। कुल मिला के पुलिस वालों ने कह दिया कि चाहे कुछ भी कहो तुम्हारी FIR तो नहीं लिखी जाएगी। अब वो उस कुर्सी टेबल पर थोड़ा दूर आकर सिर पकड़कर बैठने लगे, तभी एक सिपाही पास में पहुंचा, धीरे से कान के पास आके बोला, बाबा अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख जाएगी। अब रपट लिख जाने की बात पर तो किसान खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी तो ज्यादा ही देना होगा, ये सोचकर उनके माथे पर फिर से शिकन आ गई। अब वो किसान बोलने लगे कि हम तो पहले से ही परेशान हैं, अब पैसे कैसे दे पाएंगे, हम तो बहुत ही गरीब हैं, कुछ जुगाड़ से करा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। काफी बात के बाद भी वो सिपाही राजी नहीं हुआ, तो आखिरकार उस समय 35 रुपये पर बात तय हुई। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपये चुपके से पकड़ाए तो कागज के टुकड़े पर मुंशी ने रपट लिखना शुरू किया, उनकी शिकायत पर तहरीर लिखी। फिर मुंशी ने कहा कि अरे बाबा साइन करोगे कि अंगूठा लगाओगे। फिर ये कहते हुए इस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाला स्याही का पैड भी आगे बढ़ा दिया। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाला भी थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ गया कि आखिर ये करेगा क्या, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अब वो पुलिस वाला इसी उधेड़बुन में था कि आखिर ये किसान क्या करने वाला है। तभी उस किसान ने कागज पर अपना साइन किया और फिर अपने मैले कुचले कुर्ते की जेब से एक मुहर निकाली, उसी मुहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज पर ठोंक दिया। ये देखकर पुलिस वाला फिर अचरज में पड़ गया, इस किसान ने जेब से कौन सी मुहर निकाल कर ठप्पा मार दिया। उसे देखने के लिए तुरंत कागज को उठाया और पढ़ा तो उस पर साइन के साथ नाम लिखा था चौधरी चरण सिंह, और मुहर से जो ठप्पा लगा था उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे, तुरंत सल्यूट किया और माफी मांगने लगा। ये देखकर बाहर कुर्सी लगाए बैठा हेड कांस्टेबल और दूसरे पुलिस वाले भी जमा हो गए थे। अब थोड़ी देर में पूरा थाना क्या बल्कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसके बाद उस समय ऊसराहार थाने के सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था।
आखिर देश के एक प्रधानमंत्री ने अचानक थाने का औचक निरीक्षण क्यों किया था? इस बारे में कहा जाता है कि साल 1979 में चौधरी चरण सिंह देश के नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान आए दिन उन्हें अपनी परेशानी सुनाते थे, उन्हें खत लिखकर अपनी परेशानी बताते थे। काफी किसानों ने बताया था कि पुलिस थानों में उनसे छोटे छोटे काम के लिए घूस ली जाती है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को फोन पर नहीं अड़काया और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी को जवाब तलब किया, जैसा कि आजकल आमतौर पर बड़े बड़े मंत्री करते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह खुद ही इस बात की असलियत का पता लगाने यूपी में पहुंच गए। यहाँ जब वो इटावा में अपने काफिले के साथ जा ही रहे थे, तभी उन्हें याद आया कि इस एरिया में उन्हें शिकायत मिली थी, इसीलिए थाने से कुछ दूरी पर उन्होंने अपने काफिले को छोड़ दिया। फिर सबसे पहले उन्होंने अपने जूते उतारे, इसके बाद पैदल जाते हुए पास के खेत से मिट्टी उठाकर अपने कपड़ों पर रगड़ लिए। सब कुछ पर ऐसे मिट्टी लगाई जैसे लगे कि वो एक गरीब और असहाय किसान है। इसके बाद वो उसरा थाने पहुंचे, जहां पर उनसे 35 रुपए की रिश्वत मांगी गई। आपको बता दें कि अब ये उसरा थाना जिला औरैया में पड़ता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह का ये कोई पहला मामला नहीं था जब वे इस तरह अचानक कहीं भेष बदलकर पहुंचे थे। इससे पहले जब वे यूपी के सीएम थे, तब भी कई बार किसान और दूसरे वेश में थानों और सरकारी दफ्तरों का हालचाल लेने चले जाते थे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 सितंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में हुआ था। इनका परिवार काफी गरीब था। चौधरी चरण सिंह जी के पिता का नाम चौधरी मीर सिंह था। चौधरी चरण सिंह 27 साल की उम्र में 1929 में आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। 1940 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए थे। आज़ादी के बाद साल 1952 में पहली बार चौधरी चरण सिंह कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री बने थे। साल 1967 में 3 अप्रैल को चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि करीब एक साल बाद ही 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद हुआ चुनाव के बाद फिर से 17 फरवरी 1970 को वे सीएम बने थे। सीएम बनने के बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी रहे थे। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूनाइटेड के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री बने थे। पीएम बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने यूपी का दौरा किया था, जहाँ ये वाकया हुआ था। आपको क्या लगता है कि हर नेता को ऐसे काम करते रहना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।